हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हम पहुंचे हैं ऐतिहासिक स्थान गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब। यहां जालम वजीर खान द्वारा सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के छोटे साहबजादों को दीवार में चिनवा दिया गया था, उस स्थान पर पहुंचे हैं। आज आपको दर्शन करवाएंगे। गाइस, हम पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा साहिब। आप देख पा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब, गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब। इस स्थान पर छोटे साहिबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था वजीर खान द्वारा, वही स्थान है ये। ये जिला फतेहगढ़ साहिब में है, पंजाब में। इसके हम आज दर्शन करने आए थे। और ये लिखा हुआ है गाय सामने, धन धन बाबा जोरावर सिंह जी और धन धन बाबा फतेह सिंह जी, गुरुमुखी में लिखा हुआ। और गाइस, इसके बाद आपको हम दर्शन करवाएंगे गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज के। और गाइस, हम अभी जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर गुरु महाराज के दर्शन करने। और इसके बाद हम जाएंगे गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज दर्शन करने। और गाइस, देख सकते हैं आप सामने संगत, गुरु महाराज के दर्शन करने दूर दराज से संगत पहुंचती है इस स्थान पर। और गाइस, आप देख सकते हैं सामने लाइन। और गाइस, इसके बाद हम जाएंगे गुरुद्वारा साहिब ठंडा बुर्ज। और गाइस, हम दर्शन करके आ चुके हैं गुरुद्वारा साहिब के, और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज, उसके भी दर्शन करवाते हैं आपको। और गाइस, ये है गुरुद्वारा शहीदगढ़ साहिब। और गाइस, ठंडे बुर्ज के लिए देख सकते हैं आप सामने संगत कितनी है। करीब 200 मीटर की लाइन है जिसमें हम खड़े हैं, संगत के दर्शन कर रहे हैं और गुरु महाराज के दर्शन करने जाना है। गाइस, ये सामने लिखा हुआ गुरुमुखी में ठंडा बुर्ज, यहाँ छोटे साहिबजादों को कैद करके रखा गया था, उस स्थान के दर्शन करवाएंगे अभी आपको हम। छोटे साहिबजादों को माता गुजरी जी के साथ कैद करके रखा गया था 3 दिन तक, उस स्थान के दर्शन करवाने जा रहे हैं। गाइस, सर्दियों के दिनों में दिसंबर के महीने में इस स्थान पर छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी को कैद करके रखा गया था। बहुत सारी सजाएं दी गई, लेकिन बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा उन्होंने। और गाइस, हम पहुंच चुके हैं ठंडा बुर्ज के बाहर। और गाइस, देख सकते हैं आप संगत, पीछे की साइड दिखा देते हैं, ये देखिए गाइस संगत, बहुत संगत है आज। गाइस, 13 पौ के 3 चल रहे हैं इसलिए इतनी संगत पहुंची है। गाइस, हम दर्शन करके आ चुके हैं गुरुद्वारा साहिब के बाहर। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था इसलिए वहाँ का वीडियो नहीं बना पाए हम।
और गाइस आप भी इस स्थान पर दर्शन करने जरूर आइएगा, बहुत मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, इस स्थान पर आप भी जरूर आइएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक बार वाहेगुरु जरूर लिख देना कमेंट में। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग हमारा होने वाला है चमकौर साहिब और गुरुद्वारा विछोड़ा साहिब का। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत।